हेलो एवरीवन, कुछ नहीं दे रहा होगा, सुनाई आई नो वेरी वेल। नजदीका के बोलते हो जोर से बोलो। ये ना कुछ खास सी चीज बना रहे हैं हम। ये है यार, इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जिससे पेठा बनता है। जिससे पेठा बनता है ना, हमारे लैंग्वेज में उसको रेट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका ना मीठा बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप ब्रंज बोल सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, हलवा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ब्रंज बोलते हैं वैसे इसको, जैसे पिछले व्लॉग में कहा था। नीचे करके क्या दिख रहा है सिर मेरा? ये हमने घी डाल दिया इसमें, है ना, एक बड़ी चम्मच डाली है। तो इसके बाद हमने इसको ना धो के कद्दूकस किया है। कद्दूकस करके जो है वो अच्छे से इसको निचोड़ दिया था, ठीक है। तो अब इसको इसमें डालेंगे, इसको भूनेंगे पहले। इसमें पूरा पानी निकाल देना है इससे। तो इसको भूनेंगे जब तक थोड़ा लाइट ब्राउन ही हो जाता है। दो मिनट अभी निकालो आप, लाइट ब्राउन होने देना है। मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि कुछ स्पेशल लाने वाले हैं मीठा, तो यही है वो रेटे का मीठा। चलो थोड़ी रेटे का जैसे पेठा भी बनता है, मीठा भी बनता है, और हमारे बड़िया भी बनती है। तो जब बड़ी डालेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि बड़िया कैसे बनती है रेटे की। इसके लिए ना गुड़ की चाशनी हमने तैयार करके रखी है। इसमें गुड़ डाल के उसको पिघला दिया है, पानी डाल के चाशनी बनाई है गुड़ की, चीनी की नहीं है। और ये ना नारियल में कद्दूकस कर दूँ इसमें डालने के लिए। शुरू में ना बाहर जो है ना हमारे पास रहते वो दिखाने पड़ेंगे कि ये है जैसा। देखो फिर से दिवाली वाली फील आ रही है कि मैं दिवाली के लिए फिर से मिठाई बना रही हूँ। हाँ, इसके लिए ना हमने किशमिश भी पानी में डाल के रखी है यहाँ पे। दस मिनट हो गए ब्राउन होने का नाम नहीं ले रहा। दस मिनट 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ये जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा। अब इसमें कोकोनट पाउडर हम डालने लग गए जो कद्दूकस करके डाला है। इसको ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे ही डालना है कद्दूकस करके ही। इससे ना थोड़ा घना घना सा बन जाएगा ये, और टेस्ट इसका अच्छा आएगा। अब इसको भी थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे हम, जो हमने नारियल डाला है इसमें। ब्रांच किस से बनता? चावल का। और क्या पड़ता है? सब कुछ पड़ता है। पत्र ये भी पड़ता है। तुम्हारे साथ क्या बनता है? ब्रंज बनता ही है। बनता है। दूसरा बनता मीठा, मीठा चोकर। और बनता है हमें चोकर बनता है उसका। मीठा चोकर बनता ना वो होता तो सिंपल गुड़ का होता है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाले होते उसमें, ये भी नारियल वगैरह डाला होता है, ये भी पता ही डाला होता है। मम्मी ने बनाया था पीछे जैसे। हाँ टेस्ट होता है चावल साथ खाने के लिए। हाँ मम्मी ने बनाया था पीछे जैसे ना, बट उसमें चावल नहीं होते। जो होता ब्रांच जो हमारी साइड बनता है येलो जैसे कलर का, वो तो सूखा खाने के लिए। हाँ वो तो सूखा खाने के लिए उसको बोलते हैं वो ब्रांच। और उसमें ऑलरेडी चावल डाले होते हैं ना, तो चावल सब खाने के लिए। हाँ ये भी वैसे ही टेस्ट देता है जो मीठा चोकर होता है। चल ये कौन खाना चाहेगा? गलगला। आज हम मुरब्बा बनाएंगे इसका।
सूखा सूखा नहीं हुआ ये, पानी पड़ता है इसमें चाशनी, ड्राई फ्रूट्स डालो, ये गुड़, ये बाद में जब ये डालो क्योंकि तुमने ऑलरेडी पानी में डाला है। ये देखिए हमने इसमें गुड़ वाली चाशनी डाल दी है, कुछ इस तरह से हो गया है ये। अब ये खाना, अब इसको बहुत अच्छी तरह से खोलने देंगे, अच्छी तरह से खोलने देना है इसको, अब फिर हमारा रेटे का मीठा तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। खुशबू बड़ी अच्छी है, डाल दूँ मिठाई वे ढाक, ये किशमिश हम इसमें डाल देंगे। चलिए आप लोगों को मैं रेठा दिखा देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो ये होता है रेठा जिसमें वाइट वाइट से बाल होते हैं बाहर से, ये है रेठे। ये देखो दो है यहाँ पे, दो रखे, इसका इसका मीठा बनता है, पेठा भी बनता है और बढ़िया भी बनती है। जैसे न्यूट्री होती है ना वैसे हमारी बढ़िया होती है। जब मैं घर में डालूंगा, दो तीन दिन से डालेंगे हम बढ़िया, तब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखिए ये है रेठा। अब चलते हैं ध्रुविन के पास, ध्रुविन जो है नहा रहा है, उसे दिखाता हूँ मैं आपको कितने ड्रामे मारता है नहाते टाइम पे। चलिए ये देखो भाव को नहलाने के लिए कितनी सारी जनता आई है, वो कहें ध्रुविन, ध्रुविन देख नहीं उठा जल्दी ये देख ध्रुविन, हेलो करो ध्रुविन, हेलो हेलो, मत्थे कहाँ की मत्थे, यस आजा बॉक्सिंग जल्दी बॉक्सिंग, कपड़े खोलो इसके, आजा आजा कपड़े खोलो भाभी, हिंदू भागा वो ध्रुविन, ध्रुवी ये देख ध्रुवी, नीचे से करो, नीचे से डालो, नीचे डालो, ध्रुवी ये देखो एक मोटा हाथी कहाँ गया, मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाले में फंस वो गया, जाले को देखा देख के डरा, खुद निकालना इसने पानी, दूसरे हाथी बाल्टी तो रखो दूर ना बेटे, ये पता ना बहुत गर्म है, आप जल जाओगे इससे। देखो बस 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 और दे बेटी, अब भी आएंगे हम शर्त के ऊपर। अयो मयो मयो मरियो 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 मरियो, रुको क्या मंत्र पढ़ा रही है लैला मजनू को, क्या मंत्र पढ़ा रही है लैला मजनू को, फेस तो आया ही नहीं अभी, फेस में गाने से रोता है ये।